बड़ा अच्छा सा फ्लेवर है मेरा ये चिप्स वाला ऑमलेट। क्या आपने खाया नहीं खाया? मैं आपको लेयर्स वाला ऑमलेट खिला रहा हूँ, आपको भी बना के दिखाऊंगा कि लेयर्स वाला ऑमलेट कैसा होता है। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज हम आ गए भाई सिकंदर ऑमलेट वाले के पास। दिल्ली का सबसे मशहूर ऑमलेट बनाते हैं, यहाँ पे वेराइटी के ऑमलेट मिलते हैं, पिज्जा ऑमलेट, ब्लैक वाटर ऑमलेट, ओनली वाटर ऑमलेट। भैया से पूछ लेते कौन कौन से टाइप है क्या है। देखो दोस्तों, ये मेरा एक अच्छा सा एक ऑमलेट है, मेरे फादर का, जो कम से कम 65 साल पुराना है, और मेरे फादर पटरी पे ऑमलेट बनाया करते थे। उस फादर अच्छा ये ऑमलेट की लाइन में हूँ, और बहुत छोटी उम्र थी 6 साल की जब मैं 7 का काम किया करता था इस ऑमलेट में, और मेरे फादर ने ऐसा एक स्वाद का खजाना दिया हुआ है जिसे कहते हैं अलग ऑमलेट का खजाना। मैं पुरानी दिल्ली के अंदर मशहूर हूँ, मेरे बाबूजी का आशीर्वाद है, जिनके आशीर्वाद से मैं काम करता हूँ। और बहुत सारे अलग अलग फ्लेवर हैं। क्या आपने यहाँ पर चिप्स का ऑमलेट खाया? लेयर वाला चिप्स का ऑमलेट भाई, ये तो अभी नहीं खाया। मैं आपको पूरी दिल्ली के अंदर एक शान है, वो है दिल्ली के अंदर सिकंदर ऑमलेट। सिकंदर शान का एक ऑमलेट और नया लॉन्च करा है मैंने, ऐसे मैंने हांडी खरीदी है। एंड पापड़ ऑमलेट, आपने पंजाबी पापड़ भी नहीं खाया होंगे, पापड़ ऑमलेट चीजें मैं आपको खिलाऊंगा। और ये है लेयर्स वाला ऑमलेट, आइएगा उस लेयर्स वाले ऑमलेट की मैं मेकिंग दिखाऊंगा। और बहुत प्यारा सा स्वाद ये 3 अंडों में बनेगा, पहले ऑमलेट, फिर अंडा बॉयल, और फिर ऊपर लेयर्स, फिर बाकी का फ्लेवर। चलो स्वाद को मैं खिलाता हूँ, और बहुत अंदाज के साथ आइएगा, चलते हैं आप। ये मैंने क्वार्टर डाला है, और 2 अंडे मैं आपको जरूर दिखाऊंगा स्वाद के साथ कि क्या क्या फ्लेवर होते हैं, अंडे का बंडा क्या है और अंडों का स्वाद क्या है। ये मैंने आपके सामने 2 अंडे डाले हैं सर, ठीक है साहब। बाकी मैं डालूंगा भरपूर प्याज, ये देखिएगा, ये मैं थोड़ी सी नहीं, मेरे फ्लेवर है अपने, उस पर काम करता हूँ मैं। मिर्चे, ये टमाटर, ये धनिया, ठीक है साहब, ये नमक, ये लाल मिर्च, और ये यहाँ का मसाला जो मेरे बाबूजी का स्वाद, मैं आज भी बाबूजी के नाम से बेचता हूँ। स्वाद के अंदर 15 से 18 मसाले होते हैं, उसके स्वाद को मैं दिखा रहा हूँ। 15 से 18 मसाले, यस, इसे भून के अच्छी तरह हम बनाते हैं, वही बाबूजी इस्तेमाल किया करते थे, वही मैं आज करता हूँ। उस स्वाद को बनाने का ये अंदाज है मेरा, उस स्वाद के अंदर निकालना, अंडों का टेस्ट देना, ये यहाँ की कला है। उस स्वाद को जरूर दिखाऊंगा मैं आपको, बड़ा अच्छा सा फ्लेवर है मेरा ये चिप्स वाला ऑमलेट। क्या आपने खाया नहीं खाया? मैं आपको लेयर्स वाला ऑमलेट खिला रहा हूँ, बड़ी बच्चों की प्यारी सी चीज है। जब मेरी 2 बिटिया प्यारी सी कहती है लेके आओ पापा, तो मैं बड़ी प्यारी सी चीज खिलाता हूँ उनको, लेस। वहीं से बड़ी प्यारी चीजें आई है, ये लेस वाला ऑमलेट भी वहीं से शुरू किया हुआ है। अपने फ्लेवर बहुत अपने अंदाज में निकालता हूँ, और अपने फ्लेवर अलग अंदाज में देता हूँ सर, ठीक है साहब। आप देख सकते हैं ये मैंने वही चिप्स लिए हैं, और मैं पूरा कट करके दिखाऊंगा आपको, इस स्वाद को भी बना के दिखाऊंगा कि लेस वाला ऑमलेट कैसा होता है। और पंजाबी पापड़ का भी ऑमलेट है मेरे पास, बहुत सारे फ्लेवर हैं जो मैं अपने नाम से बेचता हूँ, और बड़े अच्छे से स्वाद है बाबूजी के नाम से बेचने के। आप देख सकते हैं मैंने बॉयल एग डाला है फ्रेंच करने के लिए, हल्का सा, ठीक है जी। क्या आवाज है। ये टमाटर, टमाटर आप देख सकते हैं लेस वाले ऑमलेट का क्या फ्लेवर आ रहा है, क्या अंदाज आएगा, बहुत ही बढ़िया पहुंच रही है। मैं आपको पूरी सी बहुत अच्छी सी एक पूरी सेटअप दिखाऊंगा ऑमलेट के अंदर कितने फ्लेवर होते हैं पुरानी दिल्ली के स्वाद में, उसी स्वादों के अंदर मैं लेके चल रहा हूँ आपको, ऐसी चीजें जो स्वाद में बड़ी अलग अंदाज में दी जाती है। ये भाई पुरानी दिल्ली का ये स्वाद हम लोग टेस्ट करने जा रहे हैं, दिल्ली का ऑमलेट है ये, पक गया एक तरफ से पलटा दिया। क्या फ्लिप हुआ भाई, एक नंबर। तो ये इसका प्राइस क्या है वैसे? देखो जी प्राइस ये कहूँगा, 3 अंडे लगते हैं, 2 चिप्स के पैकेट है, 100 रुपए इसकी प्राइस है, अगर हम चीज लगाते हैं तो 120 रुपए। इसका तीसरा फ्लेवर है अफीम वाला। अच्छा अफीम, हाँ अफीम डाला जाता है। हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, मगर मैं आपको वो वाली चीजें खिला रहा हूँ जो बड़ी अलग होती है। अच्छा, 3 फ्लेवर अलग अलग बनाए जाते हैं, एक नॉर्मल, एक चीज वाला और एक अफीम वाला। अच्छा, मैं आपको वो चीज खिला रहा हूँ जो आपने नहीं देखी और खिलाई भी हो। बिल्कुल, वो चीजें खिलाऊंगा आपको मैं। अच्छा जी, ये क्या चला गया आपने? ये तंदूरी मेयोनीज है। अच्छा जी, ठीक है साहब, तंदूरी मेयोनीज चला गया इसमें। और अपना शॉप का टाइमिंग क्या है? मेरे शॉप का टाइमिंग 5 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक का है। 5 से लेकर रात के 12 बजे तक बस फ्री ऑन रहता है, 4 घंटे 11 बजे तक। अच्छा साहब, क्या बात है, वो चीजें दिखा रहा हूँ जो स्वाद कितने ऊपर बने, आप देख सकते हैं इसके चीज के। बिल्कुल, ठीक है जी, आइएगा, मैं आपको सिर्फ चिप्स का स्वाद जरूर खिलाऊंगा, और इसको प्लेट को रेडी करते हैं और भी अच्छे अंदाज के साथ। अच्छा जी, इसकी प्रेजेंटेशन शुरू होती है क्योंकि अभी शुरू हुआ है, और मैं बिल्कुल प्रेजेंटेशन में ओके करके दूंगा आपको सर। ये चलेगा थोड़ा सा और बॉइल्ड है ऊपर से, ये धनिया, ठीक है साहब, चला गया धनिया,
और ऊपर से जा रही है भाई न्यून, ऐसा लगता है बाबूजी का नाम। अच्छा सिकंदर ऑमलेट, बिल्कुल ये हमारे फ्लेवर होते हैं सर, हम उस काम को बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, इससे एक स्वाद हो रहा है, मतलब एकदम ब्रांड बना दिया है ये, देखो भाई ब्रांड पूरा ब्रांड हो गया। ये बाबूजी का आशीर्वाद है जो मैं अलग अलग फ्लेवर देता हूँ हर साल, अच्छा जी चार नए फ्लेवर लेके आता हूँ मार्केट के अंदर, और ऐसे ऐसे स्वाद अंडों के अंदर जो मेरे फादर का नाम और उनका आशीर्वाद मिलता रहे। ठीक है साहब, ये चला गया मेहमान चिली फ्लेक्स और ओरिगैनो जी हाँ, और बाकी अभी साथ में और दो चीजें दी जाएंगी। अच्छा एक फ्लेक्स एक और दिया जाएगा चिप्स का पैकेट। अच्छा एक पूरा थोड़ा सा मजा आए वो काम भी जरूरी है। अच्छा जी एज अ स्नैक के हिसाब से काफी लोग खा सकते हैं इसको, बहुत टेस्ट वाले मामले हैं, मैं इतना कहूंगा। अब आप देखिएगा इस ऑमलेट का स्वाद ये इसके साथ चलता है, और ये रहा मेरा आपके सामने, और बाकी मैं देता हूँ इसके साथ दो ब्रेड। अच्छा दो ब्रेड भी मिलेंगी, ब्रेड भी साथ मिलेंगी। अरे क्या बात है, फ्लेवर है ये मेरा 100 रुपए का फ्लेवर है आपके सामने, मतलब ये पूरी पूरी हर एक ये पूरा मिला के 100 रुपए, 100 रुपए भाई। अब भाई प्राइस तो देख लो भाई, बिल्कुल सही प्राइस रखा हुआ है भाई, 100 रुपए में ब्रेड चिप्स ऑमलेट, भाई क्या ही चाहिए और, मतलब भाई एक नंबर। हाँ जी फ्लेवर है, अच्छा चीज वाला और एक मेरा अफीम वाला। हाँ जी दूसरी आइटम आपको दिखाऊंगा एक और। अच्छा अभी मैंने आपको दिया यहाँ पर इसी के तीन फ्लेवर है मेरे पास। अच्छा आपको तीन तो नहीं दिखाऊंगा, एक दिखा दिया है, ऐसे ही मेरे पास तीन चार फ्लेवर है, मैं वो अलग अलग ऑमलेट के दिखाऊंगा आपको। क्या लेस ऑमलेट बन के रेडी हो चुके हैं, कर लेते हैं भाई इसको टेस्ट। देखो भाई देखो लेस चिप डल हुई है पूरी गर्मा गर्म एकदम, यूनिक चीज है भाई, और टेस्ट भी मतलब मुंह में जाते ही पूरा मेल्ट हो गया, हर एक चीज मेल्ट हो गई और एकदम मजा आ गया, अलग ही फ्लेवर है मतलब मिक्स फ्लेवर, मजा आ गया भाई। 100 रुपए में ना ये चीज एकदम वर्थ है, मतलब ब्रेड चिप्स ऑमलेट भाई आदमी का पेट ही भर जाएगा, मतलब ब्रेड के साथ खाओगे तो। और भाई फ्लेवर जो आ रहे हैं ना भाई, मतलब नेक्स्ट लेवल फ्लेवर है, नेक्स्ट लेवल, पूरे मसालों का स्वाद आ रहा है, पूरा मुंह में घुल जा रहा है, मजा आ गया भाई। ये प्लेस मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड, आपको मैं बता देता हूँ जगह, आपको आना पड़ेगा भाई सिकंदर ऑमलेट, इधर आ जाओ ये, एक बार आपकी लोकेशन बता दो। लोकेशन खाने में जो स्वाद आया वो अपना एक अंदाज था, बाकी यहाँ तक आना है तो आपने आना है चावड़ी बाजार मेट्रो स्टेशन, आप अंदर रोड कट रहे हैं सीताराम बाजार, 20 से 25 दुकानें आप आएंगे आगे की साइड, 20-25 दुकानें आप आगे राइट साइड पे छोटे भाई की दुकान है, ऑमलेट के लिए जानी जाती है, अलग अलग फ्लेवर है, आप नाम लीजिएगा सिकंदर ऑमलेट, चाहने वाले प्यार करने वाले आपके जैसे बहुत हैं, आप यहाँ तक आइएगा, अंडों का शौक फरमाइए, अलग अलग फ्लेवर के लिए जानी जाती है, बहुत से फ्लेवर हैं, पंजाबी सैंडविच पिज्ज़ा ऑमलेट ये मेरे यहाँ के बहुत एक ऐसे कहते हैं हाई सीलिंग वाले हैं, और एक अलग अलग पंजाबी अंदाज के अंदर है, क्योंकि मैं कास्ट में बड़ा पंजाबी हूँ और बड़ा स्वाद देता हूँ, वो चीज़ें हैं, आप आइएगा और शौक फरमाइएगा। ठीक है तो भाई बिल्कुल आओ यहाँ पे, मेरे तरफ से हाईली रिकमेंडेड है, टेस्ट करो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो में, तब तक ले भाई बाय बाय।